अब रियलमी भी बन चुका है साओमी। सच कह रहा हूं, रियलमी अब साओमी के राहों पे चल पड़ा है। अब ऐसा क्यों? रियलमी और साओमी इस तरह के ब्रांड से हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। आज रियलमी की तरफ से भारत में लॉन्च हो चुका है एक फ्लैगशिप किलर डिवाइस रियलमी X2 Pro और एक मिड रेंज प्राइस में रियलमी 5S। वैसे देखा जाए क्या रियलमी X2 Pro ओवर प्राइज्ड है? वैसे देखा जाए तो रियलमी X2 Pro का प्राइस कुछ कम हो सकता था, होना चाहिए था, ये तो मैं बताऊंगा, साथ में आपका कमेंट जरूर कीजिएगा। और रियलमी 5S आखिर लॉन्च क्यों हुआ भाई? चलिए बात यहां पे सिलसिला शुरू करते हैं। तो चलून करबो ना देरी, शुरू करी तातारी। ना मैं रियलमी का हेटर हूं, ना मैं साओमी का हेटर हूं, मैं तो सिर्फ आपको सच्चाई देना चाहता हूं। अब ये जो रियलमी साओमी इस तरह का ब्रांड पहले तो बहुत अच्छा काम करता है, आखिर भाई ट्रस्ट जो बनाना है, जैसे जियो ने किया था। अब रियलमी पहले जो फोन लॉन्च कर रहा था हाई एंड स्पेक्स के साथ और बहुत ही कम प्राइस में, जो साओमी पहले करता था, क्योंकि कंपीट करना चाहिए ना साओमी को, और रियलमी वो कर रहा था। अब रियलमी भाई बन चुका है नंबर वन ब्रांड, अब वो तो कह रहा है। अभी रियलमी को बहुत सारे लोग ट्रस्ट भी कर रहे हैं। अब रियलमी जो करेगा, जो प्राइस में लॉन्च करेगा, हम तो भाई एकदम एक्सेप्ट कर लेंगे, जैसे साओमी कर रहा है। क्या आप करोगे ये? कमेंट जरूर कीजिएगा। आज लॉन्च हुआ रियलमी की तरफ से रियलमी X2 Pro 30,000 रुपीज में, यानी 29,999 पे। और एक जो इसका हायर वेरिएंट वो लॉन्च हुआ है 33,999 पे, यानी 30,000 34,000। अब जो 8GB और 128GB और दूसरा 12GB और 256GB फोन अच्छा है, आप भी जानते हो। इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 90 हर्ट्ज तक आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस ये चिपसेट मिलता है जो फ्लैगशिप किलर है। इसमें आपको जो मैटेरियल मिलता है ग्लास और मेटल, ये भी काफी अच्छा है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है, ये भी काफी अच्छा है। पीछे में क्वाड कैमरा 64 मेगापिक्सल मिलता है, ये भी अच्छा है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, ये भी अच्छा है। 4000mAh बैटरी और साथ में 50W का वुक चार्जर, ये भी तो अच्छा है। 35 मिनट्स पे ये आपको 0 to 100% तक चार्ज करके देगा। USB टाइप सी है, डुअल स्पीकर है और डॉल्बी सराउंड साउंड भी आपको मिल जाएगा, सब कुछ है। पर कहीं ना कहीं प्राइस यहां पे रियलमी आपने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इस बार। अब जो आपका 8GB और 128GB वाला वेरियंट है, इसका प्राइस होना चाहिए था, जो जनता है वो ये कह रहा है, मैं ये कह रहा हूं, कहीं ना कहीं कैमरा के उस तरफ से आप जो देख रहे हो, ये भी आप समझ लो, आप भी एक्सेप्ट करोगे कि इसका प्राइस होना चाहिए था 27,000 के अंदर। अगर 27,000 के अंदर ये फोन लॉन्च होता तो काफी कमाल का होता। अब एटलीस्ट तो मैं तो नहीं खरीदूंगा 30,000 में ये फोन। अभी जो 34,000 में लॉन्च हुआ है, हाँ कहीं ना कहीं ये भी ठीक है, पर अगर 1 या 2 हजार इसका भी प्राइस कम होता तो अच्छा होता। आखिर बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है रियलमी से, आखिर बहुत सारा जो सपना है वो रियलमी से जुड़ा है। हम जानते हैं कि रियलमी हमें जो देगा बेस्ट प्राइस में बेस्ट फीचर्स, बेस्ट प्राइस में बेस्ट फीचर्स, बेस्ट स्पेक्स, और रियलमी हर एक दिन वो दे रहा है। पर इस बार क्यों? जब साओमी क्या था रेडमी K20 और K20 Pro के साथ, छोड़ो K20 Pro फिर भी उसका प्राइस ठीक ठाक था, थोड़ा सा ओवर प्राइस था, पर K20 वो तो लेने लायक ही नहीं था उस प्राइस रेंज में। हर एक तरफ उसके जो चर्चे वो आ चुका था, क्रिटिसाइज किया गया था साओमी को, पर रियलमी आपने क्या किया? मानता हूं आपका ये डिवाइस काफी किलर है, पर वन प्लस की तरफ से अगर आप देखोगे तो उससे अगर कंपेयर करोगे, हाँ कुछ हद तक ये प्राइस सही है, पर वन प्लस है, एप्पल एप्पल है, रियलमी रियलमी है और साओमी साओमी है, ये भी सोचना चाहिए। तो प्राइस यहां पे मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा। अब आपका चयन,
मैं जो कह रहा हूं वो आप भी सोच रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आपके हिसाब से ये अगर सही प्राइस है तो सही है, मुझे एज ए यूजर ये लग रहा है। अब जो दूसरा रियलमी 5S, भाई फायदा क्या था इसको लॉन्च करने का, आखिर माजरा क्या है? रियलमी 5 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था और आपने ले आया रियलमी 5S, सेम फोन सेम डिजाइन सिर्फ कलर में चेंज और 48 मेगापिक्सल कैमरा इंस्टेड ऑफ 12 मेगापिक्सल का कैमरा, बस वही घिसा पीटा HD प्लस डिस्प्ले और 2019 के एंड पे वही माइक्रो USB पोर्ट, कोई फास्ट चार्जर नहीं है। आखिर हो क्या रहा है रियलमी? कंपीट करना है तो अच्छे से करियो, इस तरह से नहीं, सिर्फ 48 मेगापिक्सल आपने कर दिया और थोड़ा सा यहां पे कलर्स चेंज कर दिया, बारे भाई 4GB 64GB आपने लाके दिया, बस किस्सा यहां पे नहीं खत्म होता है। क्वालकम स्नैपड्रैगन 665 सेम प्रोसेसर सेम डिजाइन सेम आपका हर एक हार्डवेयर, सिर्फ कैमरा भैया जांचा नहीं है। और मैं तो यही कहूंगा ये फोन लेने से तो भाई अच्छा है रेडमी नोट 8 लो। और मैंने एकदम यहां पे कंपैरिजन भी करके दिखाया हूं, मैं यूज करता हूं रेडमी नोट 8, काफी अच्छा डिवाइस है, बड़ा डिस्प्ले HD प्लस, जमा नहीं कुछ। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया है, अगर हां तो आप जानते हो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को पुश कर दो और हो सके तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। धन्यवाद।